हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभ्यास पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। सबसे पहले हम अभ्यास पाठ योजना संख्या डालेंगे, उसके बाद हम महाविद्यालय का नाम डालेंगे। जो भी आपके महाविद्यालय का नाम हो आप उसके सामने डाल सकते हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद हम पाँच छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे, जैसा कि आप फाइल में देख रहे हैं। सबसे पहले दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय, चौथी अवधि और पांचवी कालांक। उसके आगे हम प्रकरण डालेंगे। प्रकरण जो भी आपका टॉपिक हो आप उसको वहां पर लिखेंगे। बस की यात्रा, पहला पॉइंट है हमारा हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करवाना, दूसरा बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, तीसरा बच्चों के द्वारा मातृभाषा का विकास करना, और हमारी चौथी पॉइंट है भाषा ज्ञान को अच्छे से समझना। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को बस की यात्रा नामक पाठ का अध्ययन करवाना, और दूसरी पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करवाना, और तीसरी पॉइंट है छात्रों को रोचक ढंग से बस की यात्रा करवाना। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने लिखा है लपेट, श्यामपट्ट, चाक, डस्टर इत्यादि। जो भी आप यूज करेंगे आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमने तीन विधियों का प्रयोग किया है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर विधि, दूसरा व्याख्यान विधि और तीसरा प्रदर्शन विधि। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान डालेंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे बच्चों को बस की यात्रा की सामान्य जानकारी है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम तीन कॉलम बनाएंगे, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन और तीसरा छात्र छात्रा कथन। छात्राध्यापक कथन का पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों आप लोग गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाते हैं? छात्र छात्रा कथन में नानी के घर। दूसरा क्वेश्चन है नानी के घर आप लोग कैसे जाते हैं? तो छात्र छात्रा कथन में हम लिखेंगे सवारी से। किस सवारी से जाते हैं? मोटरसाइकिल से, ट्रेन से, बस में जाते हैं। बच्चों आप बस की यात्रा के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। हमारी आगे की हेडिंग है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों आज हम सब बस की यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। आगे की हेडिंग हमारी है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम पांच पॉइंट बनाएंगे, जैसा कि आप फाइल में देख रहे हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापक कथन, चौथा छात्र छात्रा कथन और पांचवा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारी पहली पॉइंट है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में हम लिखेंगे छात्राध्यापक स्वयं पढ़ेंगे। छात्र छात्रा कथन में हम लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में बस की यात्रा जो भी हमारा टॉपिक होगा आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे। छात्र छात्रा कथन में बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। उसके बाद हमारी तीसरी पॉइंट है उच्चारणाभ्यास। उच्चारणाभ्यास में छात्र अध्यापक बच्चों से शुद्ध उच्चारण करवाएंगे। छात्र छात्रा कथन में बच्चे उच्चारण अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमारा व्याख्या होगा। व्याख्या में हम लिखेंगे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बस की यात्रा नामक पाठ का वर्णन किया है। बस की यात्रा कैसे की जाती है? इंजन वाली बस की यात्रा हम कैसे करते हैं? इंजन वाली बस कभी रुकती है, कभी चलती है, कभी तेल समाप्त हो जाता है, कभी टायर खराब हो जाती है, इसका वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न की पहली पॉइंट है लेखक ने बस की यात्रा का कैसा चित्रण किया है। दूसरा है बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है। तीसरा पॉइंट है बस की यात्रा में लेखक ने किस समस्या का को उद्धृत करने का कार्य किया है। उसके बाद हमारा है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। छात्र श्यामपट पर किया गया कार्य उतार रहे हैं। उसके बाद हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला क्वेश्चन है लेखक ने बस की यात्रा पाठ में किस समस्या का वर्णन किया है।
हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस पाठ में इस पाठ के लेखक कौन है। हमारा लास्ट पॉइंट है गृहकार्य। गृहकार्य में हम लिखेंगे, बच्चों आप सब लोग पाठ को लिख कर लाएंगे और इसके लेखक का नाम लिख कर लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।